देखते हैं कि डिस्पैचर सर्वलेट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डिस्पैचर सर्वलेट जो है ये स्प्रिंग एमवीसी का सेंट्रल सर्वलेट है। ये एक रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर। जब रिक्वेस्ट आती है ये आगे फॉरवर्ड कंट्रोलर को कर देता है, और भी ये वेब एप्लीकेशन के अंदर काम आता है हमारे एमवीसी स्प्रिंग के अंदर। तो मेन इसका काम यह है कि रिक्वेस्ट को डिस्पैच करना, कि इसको रिक्वेस्ट आए और ये आगे कंट्रोलर को सेंड कर दे। तो इसको अभी हम कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करेंगे, ये वेब डॉट एक्सएमएल है। ये जो हमने वेब प्रोजेक्ट बनाया हुआ हमारे प्रीवियस लेक्चर से, इसमें आप देख लें वेब डॉट एक्सएमएल पे क्लिक करें। तो ये जो वेलकम लिस्ट लिखी है इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। वेलकम लिस्ट का मतलब ये है कि कौन सी, जब आप वेब एप्लीकेशन ओपन हो तो कौन कौन सी फाइल जो पड़ी हो उनको दिखा सकते हैं आप बाई डिफ़ॉल्ट। जैसे आप व्यक्ति का नाम लिखते हैं, जैसे बुक स्टोर हो आपकी प्रोजेक्ट का नाम, तो उसके अंदर अगर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पड़ी है तो उसको वो कॉल कर लेगा और फिर वाला पेज जो है ना बाई डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा। फिर ये आप कह रहे हो एक से ज़्यादा लिखी हुई हैं, तो ये इसलिए लिखी हुई हैं कि अगर ये ना मिले तो ये वाली फ़ाइल अगर हो तो उसको देख लें, अगर वो वाली ना हो तो फिर ये वाली को देख लें कि कौन सी डिफ़ॉल्ट आपने फाइल दिखानी है जो प्रोजेक्ट हो। अभी के लिए हम इसे रिमूव कर लेते हैं। तो अभी हम सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। ये इसके लिए आपको सर्वलेट लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी स्प्रिंग फ्रेमवर्क के साथ सर्वलेट आता है, बस उसे हमने कॉन्फ़िगर करना है। मैं अभी आपको बताता हूँ ये टैग वगैरह क्या है और किस तरीके से उसे कॉन्फ़िगर करना है। तो ये जब आप सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको सर्वलेट टैग की ज़रूरत होती है, ये सर्वलेट स्टार्ट की और सर्वलेट को एंड करने की। फिर उसके बाद सर्वलेट का नेम देना होता है, सर्वलेट डैश नेम, और फिर उसके अंदर हमने नाम रख दिया उसके डिस्पैचर। फिर उस सर्वलेट का जो नेम का टैग है उसको बंद करना है। फिर उसकी क्लास का नाम कौन सा है, यानी कि उसके जो क्लास है सर्वलेट की वो कौन सी है, तो उसका पूरा नाम आपको देना होता है। तो ये स्प्रिंग के साथ आता है, तो आप लिखोगे सर्वर डैश क्लास का टैग लिखा, फिर आप ये उस सर्वलेट की क्लास का नाम लिखेंगे, पैकेज का पूरा यानी उसका पूरा नाम, और डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट वेब डॉट सर्वलेट डॉट डिस्पैचर सर्वलेट। फिर उसके बाद हम एक और ये टैग रखते हैं लोड डैश ऑन स्टार्टअप, इसकी वैल्यू हमने 1 रख दी और फिर ये टैग को बंद कर दिया। इसकी वैल्यू 1 का मतलब ये है कि ये सबसे पहले जो है सर्वलेट लोड हो जब वेब एप्लीकेशन हमारी डिप्लॉय होती है। फिर उसके बाद ये जो है सर्वलेट मैपिंग हम रख देंगे। सर्वलेट मैपिंग का इसका मतलब ये है कि ये सर्वलेट कौन से यूआरएल को प्रोसेस करेगा, यानी जब रिक्वेस्ट आएगी तो फिर हमारे डिस्पैचर सर्वलेट को आ जाए कौन से यूआरएल वाली रिक्वेस्ट जो है हमारा डिस्पैचर सर्वलेट प्रोसेस करेगा और फिर आगे वो कंट्रोलर को सेंड कर देगा। तो ये हमने नाम सर्वलेट मैपिंग लिखा, फिर सर्वलेट नेम लिखा कि कौन सा सर्वलेट है, उसका नाम है डिस्पैचर, ये जो हमने इधर रखा हुआ है अपने डिस्पैचर सर्वलेट का। फिर उसके बाद यू आर एल पैटर्न रख देते हैं कि उसके आगे लिख दिया हमने पैटर्न रख दिया ये यू आर एल का, यानी कि ये हमारी जो डायरेक्टरी को हमारे प्रोजेक्ट को जब भी बुलाएंगे तो उसकी रिक्वेस्ट जो है ये डिस्पैचर सर्वलेट को जाएगी। इसका मतलब है ये सारी वाली जो डायरेक्टरी हमारे वो प्रोजेक्ट के अंदर, यानी जैसे बुक्स प्रोजेक्ट है तो ये आगे बुक्स के अंदर जो सी भी रिक्वेस्ट आएंगी उसको ये संभालेगा। तो ये यू आर एल पैटर्न हो गया। तो फिर उसके बाद यू आर एल मैपिंग को बंद कर लिया। तो यह अभी एक और फाइल की इसको ज़रूरत होती है, ये सर्वलेट, ये जब आप डिस्पैचर सर्वलेट बनाते हैं तो डिस्पैचर डैश सर्वलेट डॉट एक्सएमएल फाइल होती है। जब ये सर्वलेट लोड होता है तो आप उस कॉन्फ़िगरेशन जो अपनी ढूंढता है वो उस फाइल के अंदर ढूंढता है। तो फाइल के बनाने के लिए आप ये वेब आईएनएफ पर क्लिक करें अपनी डायरेक्टरी पे, तो इसके ऊपर राइट क्लिक किया, न्यू किया, ये अदर पर आ जाएं, इधर आप लिखेंगे स्प्रिंग, तो ये आ जाएगा स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इस पर आप क्लिक कर दें, नेक्स्ट कर दें, और फिर इसका नाम हमने रखना है डिस्पैचर, ये हमारे सर्वलेट का नाम है, उसके साथ पर सर्वलेट डैश लगा के सर्वलेट लिख देते हैं और फिर डॉट एक्सएमएल, फिर उसके बाद फिनिश कर दें। तो ये वेब आईएनएफ के अंदर डिस्पैचर डैश सर्वलेट डॉट एक्सएमएल फाइल बन जाएगी। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई डिस्पैचर सर्वलेट की। तो पहले सर्वलेट का नाम दे दिया, उसकी पूरी क्लास दे दी और उसे बता दिया कि जब वेब एप्लीकेशन लोड हो तो ये सर्वलेट लोड हो जाना चाहिए और फर्स्ट हो ये सर्वलेट लोड करने में, पहला सर्वलेट ये लोड हो।
उसके बाद फिर हमने कह दिया कि ये सर्वलेट जो है वो कौन सी वाली रिक्वेस्ट संभालेगा, कौन से वाले यूआरएल की रिक्वेस्ट संभालेगा। तो हम कह रहे हैं पूरी डायरेक्टरी की, यानी कि इसका मतलब है जो भी हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नाम है उसकी सारी जो रिक्वेस्ट आएंगी वो हमारा ये डिस्पैचर सर्वलेट संभालेगा। तो ये यूआरएल मैपिंग कर दी, ये स्टार्ट टैग की और एंड की। अब एक लास्ट चीज़ रहेगी इसके लिए, तो अब हमने क्या करना है, ये मेवन प्रोजेक्ट पे आ जाएं, राइट क्लिक करें, इधर इधर आप आ जाएंगे, हाँ ये मेवन प्रोजेक्ट पे आ गए, प्रॉपर्टीज पर आ जाए, जावा बिल पैथ पे आ जाए, ये हो गया है, ये डिप्लॉयमेंट असेंबली पर आ जाए। अब इसके अंदर क्या है कि हम चाह रहे हैं कि ये जो डिपेंडेंसी मेवी की मेवन की है, यानी जो जार फाइल है मेवन ने डाउनलोड की है, वो हमारी जो वार फाइल एप्लीकेशन है, अगर आपको नहीं पता है तो ये हमारी वार फाइल बनती है वेब एप्लीकेशन की। तो जैसे जावा जार फाइल बनती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और जो आप बेसिक एप्लीकेशन बनाते हैं उसकी जार फाइल बनती है, तो हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये वार फाइल बनेगी। तो वार फाइल के अंदर हमारी वो जो लाइब्रेरी है मेवन की वो भी ऐड हो जाए। तो उसके लिए हमने डिप्लॉयमेंट असेंबली पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट पे पहले क्लिक किया, फिर डिप्लॉयमेंट असेंबली पे, फिर ऐड पे क्लिक कर दें, फिर जावा बिल पैथ एंट्री जहाँ लिखा है इस पर क्लिक कर दें, फिर नेक्स्ट कर दें, फिर मेवन डिपेंडेंसी के ऊपर क्लिक कर दें और फिर फिनिश कर दें। तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेवन की जो डिपेंडेंसी है, वो जो जार फाइल है, वो सारी किस में आ जाएंगी, हमारी वेब डैश आई एन एफ पावरशेल लिब फोल्डर, ये हमारी जो वार फाइल बनेगी उसका लिब फोल्डर के अंदर वो सारी रख दी। फिर हम ओके कर देते हैं, फिर अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप इस प्रोजेक्ट पर आ जाएं, फिर राइट क्लिक करें, फिर रन एस रन ऑन सर्वर कर लें, ये यही वाला हमने सर्वर सेलेक्ट किया है, फिर फिनिश कर दें, तो अब ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जब वेब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो फिर हमें आना चाहिए कि डिस्पैचर सर्वर स्टार्ट हो गया, ये आ गया। ये हमारी वेब एप्लीकेशन भी ओपन हो गई और ये लिखा भी आ गया कि ये हमारे ये यहाँ पर आपको लिखा आएगा इस डिस्पैचर शायद कंप्लीटेड ही नहीं है कि डिस्पैचर सर्वलेट जो है हमारा वो इनिशियलाइज हो गया। तो ये हो गया कि कैसे आप जो है वो डिस्पैचर सर्वलेट का कॉन्फ़िगर करते हैं।